तो जो हमारी इरेशनल नंबर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे चारों ऑपरेशंस में एप्लीकेबल कर रही है या नहीं कर रही। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले एडिशन में चेक करना है, एडिशन में चेक करेंगे। एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब हम दो नंबर लेंगे, ठीक है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, जब हमने दो नंबर लिए, मान लो ए प्लस बी, दो नंबर लिए, जब मैंने इन नंबरों का प्लेस चेंज कर दिया, यानी कि ए को बाद में रख दिया और बी को पहले रख दिया, तब भी क्या यही दोनों इक्वल आएंगे, ये हमको चेक करते जाना है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब हम दो नंबर लेंगे और जब हम उनका प्लेस चेंज कर देंगे तो आने वाले नंबर जो होंगे इक्वल होंगे। तो हमको देखना है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पे एप्लीकेबल कर रही है और कहाँ पे नहीं कर रही है। तो सबसे पहले एडिशन में देख लेते हैं, तो हमने यहाँ पे दो रैशनल नंबर ले लिए, ए बाय बी प्लस में सी बाय डी, दो रैशनल नंबर हो गए, इक्वल में प्लेस चेंज कर दो, सी बाय डी प्लस में ए बाय, ये दो रैशनल नंबर लिए, प्लेस चेंज कर दिया, कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, 2/3 प्लस में 4/3 इक्वल टू 4/3 प्लस में 2/3, ठीक है, प्लेस चेंज कर दिया। अब इनको ऐड कर दो, 3 को 3 से करा, यहाँ पे 4 × 6 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 4 × 6 और यहाँ पे 3, तो 6/3 है, 6/3 है, यानी कि जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन के अंदर एप्लीकेबल करती है। तो यहाँ पे एप्लीकेबल कर रही है, तो इसको राइट लगा देते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने दो रैशनल नंबर लिए, उनका प्लेस चेंज कर दिया, तो हमने देखा जो आने वाले नंबर हैं वो दोनों इक्वल है, तो एडिशन के अंदर तो एप्लीकेबल कर रही है। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर देख लेते हैं जल्दी से इसको, एडिशन की जगह लगाना है हमको सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पे दो रैशनल नंबर है, ए बाय बी, यहाँ पे माइनस सी बाय डी इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारा, सी बाय डी माइनस ए बाय बी, कोई भी नंबर ले लेते हैं रैंडम नंबर, 6/2 माइनस में 4/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले 4/2 आ जाएगा माइनस में 6/2, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, 6 में से 4 चला गया तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो हमारी एप्लीकेबल नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव का आ गया 2/2, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव का -2/2, तो यहाँ पे जो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो उन्हें सब्ट्रैक्शन में तो एप्लीकेबल करा, लेकिन सॉरी एडिशन में तो एप्लीकेबल करा लेकिन सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं करा, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रॉन्ग लगा देते हैं, यानी कि ये एप्लीकेबल नहीं कर रही, तो नॉट इक्वल, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने मल्टीप्लीकेशन में, तो देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल कर रही है या नहीं कर रही है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे दो रैशनल नंबर लेते हैं, ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी इक्वल टू सी बाय डी मल्टीप्लाई ए बाय बी, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 2/3 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 8/3 इक्वल टू 4 × 8/3। तो जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल करती है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे दो रैशनल नंबर लिए और मैंने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो राइट हैंड साइड के बराबर है ना, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी मल्टीप्लीकेशन में हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल करती है। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार डिवीजन में, तो जल्दी से मैं इसको मिटाता हूँ, मल्टीप्लाई की जगह लगा देते हैं डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन लगा देते हैं, तो डिवीजन में देख लेते हैं एक बार, दो रैशनल नंबर लेते हैं, ए बाय बी डिवाइडेड में सी बाय डी इक्वल टू सी बाय डी को पहले रखना है, डिवाइडेड में ए बाय बी को बाद में रखना है, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 2/3 डिवाइडेड में 4/3, 4/3 को पहले लिखना है, उसके बाद डिवाइड लगाना है, फिर 2/3 को लिख देना है, ठीक है, सॉल्व कर दो, 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना, जब भी डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 4/3 का रेसिप्रोकल कर दिया, तो 3/4 आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे 4/3 ऐसे ही रहेगा, इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 4, 3 = 12 इक्वल टू 4 × 3 = 12 और 3 × 2 = 6। तो क्या हमारी डिवीजन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो गया, 6/12 और इसके इक्वल टू में क्या आ गया, 12/6, तो ये दोनों क्या हो गए,
एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं करती है। तो हमने क्या देखा, जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है, डिवीजन के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने अभी अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लिया है, अब हम देखेंगे अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।